इंद्री हल्के राजकीय प्राथमिक पाठशाला गुड्डा में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने शिरकत की। संबोधित करते हुए विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा कि माता पिता के बाद अध्यापक ही बच्चे के गुरु होते हैं। उन्होंने अध्यापक से आह्वान करते हुए कहा कि बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ संस्कारी शिक्षा भी दें, बच्चों को संस्कारवान बनाएं ताकि बच्चे सामाजिक निर्माण में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि जिस समाज के बच्चे संस्कारवान होंगे वह समाज हमेशा आगे बढ़ता है। अच्छे संस्कार से ही अच्छे समाज का निर्माण होता है। अमित सरोहा की रिपोर्ट। गुड़ा के मिडिल स्कूल में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है बिल्डिंग भी साधन है और यहाँ पर काफी संख्या में बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं गरीब परिवार से बच्चे हैं। तो मैंने सोचा भी आज शिक्षक दिवस है, ये यहाँ के टीचर जो है बड़ी मेहनत करके बहुत मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ाने शिक्षा देने काम कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा हुई भी आज गुड़ा स्कूल में जाकर के अभी जो टीचर साहबान जो यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उनको सम्मान करने का काम किया जाए। तो उस कड़ी में यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने ईश्वर जी यहाँ पर हेड टीचर हैं उनके पूरे स्टाफ को मैंने आज सम्मानित किया शिक्षा दिवस के रूप में। बाकी जो देखिएगा शिक्षक जो है बच्चे का सबसे पहले तो माँ बाप गुरु होते हैं बच्चे का, फिर उसके बाद शिक्षक होते हैं। बच्चा जो है सबसे मैक्सिमम जो है अपने स्कूल में शिक्षक के साथ बिताते हैं। तो शिक्षक ही है जो मतलब बच्चे को अच्छी शिक्षा दे करके देता है और बच्चा अच्छी शिक्षा लेकर अच्छा नागरिक बनता है। अच्छा नागरिक बनने के बाद राष्ट्र के निर्माण में वो अहम भूमिका निभाता है। मेरा कहने का मतलब है जो टीचर साहबान है टीचर जो है अध्यापक हैं वो इनडायरेक्टली राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका होती है। तो आज शिक्षक दिवस है उस लक्ष्य में मैंने इन सभी को सम्मानित किया है यहाँ के टीचर साहबान को। बाकी जो है जिस प्रकार से मेहनत करें आगे इस प्रकार से मेहनत करके बच्चों को पढ़ाने का काम करें। मैंने साथ साथ में इनको एक दिशा निर्देश भी दिया है इस शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कारिक शिक्षा भी देने का काम करें। तो मैंने बल्कि बोला है सुरेश सिंह जी टीचर को भी कल आप प्रेयर में बच्चों से पूछना आपसे बॉयज को कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सवेरे अपने माँ बाप उठ करके अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करते हैं, नमस्कार करते हैं, दादा दादी को नमस्कार करते हैं, स्कूल में आकर के टीचर को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं या स्कूल में से जाते हैं, कितने नमस्कार करके जाते हैं घर जाकर करते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा कितने है? यही मैंने तो यही कहा शासन दिया भी सारे का ऐसा है तो अगर सारे बच्चे ऐसे हैं तो बहुत बढ़िया मतलब शिक्षा दे रहे हैं। अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी है ये उस कमी को दूर करेंगे, बच्चों को 100% उनको संस्कारी बच्चे बनाने काम करेंगे। साथ साथ मैंने इनको एक दिशा निर्देश भी दिया है, दिशा निर्देश तो क्या मैंने एक बेनती करी है कि आप बच्चों को और एक घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाएं। अगर आपने लंच में भी पढ़ाना पड़े लंच में पढ़ाएं, आपने जाते टाइम घड़ी नहीं देखनी तो देनी यार। मेरे ख्याल में सिलेबस में भी एक नैतिकता का पाठ भी होगा मेरे ख्याल में ऐसा है, अगर नहीं होगा तो उसमें नैतिकता शिक्षा के तरफ एक ऐसा कोई लेसन भी उसमें ऐड कराने काम करेंगे। बाकी मैं तो जहाँ जहाँ जाता हूँ जिस स्कूल में जाता हूँ मोस्टली मेरे को स्कूल में जाना बड़ा अच्छा लगता है, चाहे प्राइमरी स्कूल हो मिडिल हो चाहे सीनियर। मैं अभी पीछे सेकेंडरी स्कूल में भी गया था, बादशाह स्कूल में गया, जनरल स्कूल में मैं गया। तो मैं मेरी एक बहुत रुचि है, मेरे एक प्रयास है, मैंने एक टारगेट बनाया अभी हर स्कूल में अपने हल्के के हर स्कूल में जाया जाए, टीचरों को उनका टाइम भी खराब बच्चों को टाइम भी खराब नहीं हो, बिना टाइम खराब उनसे थोड़ा मिला जाए और शिक्षा के बारे में क्या हो रहा है और क्या उसमें कमी है तो उसके बारे में जानकारी दी जाए। जैसे मैंने कहा था कि तुम्हारा लंच किस टाइम होता है तो 11:30 होता है, मगर भी पढ़ाई खराब नहीं करनी बच्चों की, मेरी वजह से आधा घंटा खराब नहीं होती। इन्हें कहा लंच में आ जाओ, लंच में हम बच्चों को खाना भी खिलाते हैं और हमारी रिसर्च भी होती है। तो मैंने 11:30 बजे आया था, मेरे ख्याल मेरे आने से पढ़ाई पर तो कोई खराब विपरीत असर नहीं पड़ता। हम अपनी तरफ से अपने शिक्षक की तरफ से मैं अपने विधायक हल्का विधायक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस स्कूल के टीचरों को इस लायक अध्यापक दिवस के अवसर पर इनको सम्मानित किया गया। हमारे प्रिय सर हर रोज हम जब प्रेयर में ये तो नैतिक शिक्षा के बारे में तो बताते ही, सुबह बेटे जल्दी उठना, सोच करना, सोच करने के बाद नहा करके स्कूल में आना, सबसे पहले अपने माता पिता को चरण वंदना करके आनी है, जाते टाइम फिर अपने माता पिता को चरण वंदना करनी है, क्योंकि सबसे पहला गुरु अपने माता पिता ही होते हैं। हाँ जी, बहुत अहम भूमिका है।
जैसे यदि चरित्र अच्छा रहेगा तो बच्चा अपने राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा, राष्ट्र के निर्माण में भी, परिवार के उसमें भी। इस वर्ष में ठीक है।